हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं हम लोग अमूल मलाई पेड़ा ये किस तरह का दिखता है और इसका स्वाद कैसा है। चलिए देखते हैं इसको। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पैकेजिंग है। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और किसी फेस्टिवल में भी ला सकते हैं आप। और ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे लिखा है, इसका प्राइस लिखा हुआ है 90 रुपीज़ का है। ये 200 ग्राम्स का है एंड रिसेंट पैक है। और ये बेस्ट बिफोर सिर्फ 1 महीने तक ही रहता है। बेस्ट बिफोर जब भी परचेज़ कर रहे हैं आप, डेट देख कर परचेज़ करें कि ये कब का पैक किया हुआ, फ्रेश होना चाहिए। और देखिए मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ, कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। चलिए अब इसको निकालते हैं और देखते हैं किस तरह का है। ये देखिए एक पेड़ा यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्रीमी दिख रहा है, बिल्कुल एकदम जैसे एकदम मलाई जैसा होता है वैसा ही कलर है, बिल्कुल वाइट सा क्रीमी सा कलर है। ये ऊपर से पॉलिथीन पैक थी, इसको अब धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए रिमूव करके आप देख सकते हैं तकरीबन 7 पेड़े हैं इसमें, तो ये 200 ग्राम में 7 आए हैं। और देखिए क्या इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप, एकदम फ्रेश है। इसको मैंने टेस्ट किया है, ये काफ़ी डिलीशियस है, काफ़ी अच्छा है। इसको आप टेस्ट करेंगे, काफ़ी स्वादिष्ट है ये और बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और इसको खाने के बाद ज़रूर गर्म पानी ज़रूर पिए, तो फिर आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। गर्म पानी पीने से जो भी इसके अंदर घी वगैरह है वो आसानी से निकल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप ज़्यादा भी कंज्यूम कर लेते तब भी आपको एसिडिटी वगैरह नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी आप। और जो लोग मिठाई लवर हैं बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए इस तरह से आप तोड़ेंगे तो इस बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जो हम प्रोडक्ट हम आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और ये कितना यूज़फुल है, कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, कौन सा ख़राब प्रोडक्ट है, मैं उसके रिव्यू आगे भी करता रहूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।